चालक ए जिसमें चित्र 1.36 ए में दर्शाए अनुसार कोई क्वार्टर गुना कैविटी है को क्यू आवेश दिया गया है। यह दर्शाए दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। एक कोई अन्य चालक बी जिस कोई अन्य चालक बी जिस पर आवेश क्यू है वो तो केविटी में इस प्रकार धसा दिया गया है। अच्छा, धसा दिया जाता है कि चालक बी चालक ए से प्रतिरोधी रहे, चालक बी चालक ए से प्रतिरोधी रहे, ठीक है। यह दर्शाइए कि चालक ए के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश क्यू प्लस क्यू है। किसी सुग्राहों उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित किया जाना है, संभावित उपाय लिखिए। ओके, ये जो है ना केविटी के क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली केविटी के क्वेश्चंस या ये एक्चुअली है ना कंडक्टर के क्वेश्चन। किसके? कंडक्टर। ये आप कंडक्टर के क्वेश्चन तभी पढ़ोगे या तभी बनेगा आपसे जब आपको हम कंडक्टर का बिहेवियर पढ़ाएंगे। यस सर। यस सर। ये आपसे बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? जब बिहेवियर ऑफ कंडक्टर पढ़ोगे। Yes, और बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि आप को क्वेश्चन बनाने में बड़ी मदद मिलती है। और बिहेवियर ऑफ कंडक्टर पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव वो जरूर पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। 5-6 बिहेवियर है कंडक्टर के कि कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, कोई चार्ज रखा हुआ है किसी कंडक्टर के अंदर, कोई चार्ज रखा हुआ है किसी कंडक्टर के बाहर, चार्ज रखा हुआ है तो क्या इफेक्ट होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो क्या इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें आप तब जान पाओगे जब आप कंडक्टर का बिहेवियर पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देख लिया, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चार्ज पार्टिकल का देख लिया, चार्ज में स्फीयर का देख लिया और हमने स्फीयर हॉलो और सॉलिड का देख लिया, ठीक है। ग्राफ, आज उस ग्राफ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसी का हम लोग क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसी पॉइंट पे हम लोग क्या निकाल लें, पोटेंशियल। क्या निकाल लें? पोटेंशियल। तो लिखो, पहले हम लोग बात कर लें उस ग्राफ की। किस ग्राफ की बात कर लें? कि कोई सॉलिड स्फेरिकल चार्ज है, सॉलिड स्फेरिकल चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला इनसाइड आउटसाइड, तो इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ कैसे है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आर के साथ लिख लो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर, वेरिएशन ऑफ ग्राफ ऑफ वेरिएशन, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर, या ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर फॉर सॉलिड स्फेरिकल चार्ज, ऐसा लिखो टॉपिक। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर फॉर सॉलिड स्फेरिकल चार्ज। इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद इसी चार्ज पार्टिकल का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चे, पोटेंशियल। कहां पे? जहां हम लोगों ने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं पे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। तो देखो ये है हमारे पास सॉलिड स्फेरिकल चार्ज जो कि आपने कल देखा था, ये है हमारे पास सॉलिड स्फेरिकल चार्ज, ठीक। देखो ये है हमारे पास सॉलिड स्फेरिकल चार्ज ये है, और इसका ग्राफ हम लोग देखना चाहते हैं।
ये है सॉलिड स्फेरिकल चार्ज, ये आपका है एक्सिस, ये आपका एक्सिस है, यहां से ले लो, ये एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, वो हो गया वर्टिकल, ठीक है। इधर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर आपका है आर, ठीक। वेरिएशन आपने देखा है इसका, देखा है कि नहीं बताओ? बिल्कुल देखा है, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। यहाँ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है कि नहीं बोलो? अगर रेडियस इसका कितना हो जाए, आर आपने जैसा आपने दिया है, और ये है आपका चार्ज जो कि अंदर है, ठीक, स्फेरिकल चार्ज है जो कि अंदर है बच्चे। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे था, आपने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन था जब आर लेस देन आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है भाई? ये वेरी कर रहा है के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, ऐसे वेरी कर रहा है क्या? यस सर। ये याद रहे आपको, के इज 1/4πε0, ठीक है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, ये वेरिएशन हो गया जब आर लेस देन आर है, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है जब आर इज इक्वल टू आर है, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर है जब आर इज ग्रेटर देन आर है, ठीक है बच्चे? यही तो था। आर इज लेस देन आर तो ये, आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर तो ये, और आर इज इक्वल टू आर तो ये। आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जब आर लेस देन आर है, आर कहां से शुरू हो रहा है? स्मॉल आर और कैपिटल आर की बात कर रहा हूं। स्मॉल आर कहां से शुरू हो रहा है? सेंटर से। कहां से शुरू हो रहा है भाई? सेंटर से। तो सेंटर से अगर शुरू होगा तो सेंटर पे आर की वैल्यू क्या होगी बताओ? जीरो। तो पहले वाले केस में जब स्मॉल आर इज ग्रेटर इज लेस देन कैपिटल आर है, तो मेरे बच्चे क्या क्या वो पॉइंट अंदर इनसाइड द स्फीयर है? अगर इनसाइड द स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वो इनसाइड द स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है बच्चे, इसका मतलब है कि अगर अगर आप सेंटर पे बात करें तो सेंटर पे, यहाँ देखो पहला वाला केस, फर्स्ट केस, ई प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, तो ई प्रोपोर्शनल टू आर हो गया पहले वाले केस में, इसका मतलब है कि आर अगर जीरो होगा तो ई भी जीरो होगा, क्लियर है? आर अगर जीरो तो ई भी जीरो, तो मतलब यहां से शुरू होगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई बढ़ेगा, इसका मतलब ये देखो, अगर आप कर्व देखो या ग्राफ देखो, ये इक्वेशन देखो, ये तो इक्वेशन क्या स्ट्रेट लाइन का है कि नहीं है, ये बताओ? यस। ठीक है, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करेगी, ऐसे कि नहीं वेरी करेगी? करेगी ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो वेरी करेगी, जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन कहाँ कहां तक बढ़ेगा? जब तक कि आर किसके बराबर ना हो जाए? आर के, कैपिटल आर के बराबर ना हो जाए। तो जब आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है बच्चे, तो देख मेरे बच्चे, आर जब कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे, इस पोजीशन मतलब जब हम कहां पहुंच गए बच्चे? सरफेस पे। कहां पहुंच गए? सरफेस पे। जब हम सरफेस पे पहुंच गए मेरे बच्चे, तो देख इस केस में क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, दैट इज व्हाट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है कि नहीं होती है बोलो? इस पॉइंट पे जस्ट 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 ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है मेरे बच्चे? यस। ठीक है, सरफेस पे के क्यू अपन आर स्क्वायर हो जाता है, और यहां से यहां तक क्या आर पे डिपेंडेंट है, स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है कि नहीं, या स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? ये हो गया किसका ग्राफ, प्रोपोर्शनल टू आर का, हो गया कि नहीं हो गया बताओ? ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, जब आप आर को और बढ़ाओगे, आर मतलब स्मॉल आर, अब पॉइंट कहां चला जाएगा? पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर चला जाएगा। जब पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर चला जाएगा मेरे बच्चे, तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा थर्ड केस में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ? थर्ड केस में
जब पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r2। ठीक है, तो इस केस में कैसा ग्राफ बनता है मेरे बच्चे, बताओ जरा, इस केस में कैसा ग्राफ बनता है मेरे बच्चों? पैराबोलिक ग्राफ बनता है। कैसा? पैराबोलिक। पैराबोलिक, ठीक ठीक है। ये कर्व किसका हो गया? ये वाला, e प्रोपोर्शनल टू 1/r2। तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा। इंफिनिटी पे r जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। e की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहां देखो, अगर यहां जस्ट r इज इक्वल टू r, इस क्वेश्चन इस इक्वेशन में जस्ट r इज इक्वल टू r रखोगे, ग्राफ कहां से शुरू होगा? जब r इज इक्वल टू r होगा, जब r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r होगा, तो क्या इस इक्वेशन में अगर r इज इक्वल टू कैपिटल r रख दोगे तो क्या ये इक्वेशन kq/r² कैपिटल r स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। इसका मतलब यहां से शुरू होगा, जस्ट यहां से शुरू होगा, और तो ये ग्राफ हो गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और r का, इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच का ग्राफ हो गया। किसके लिए? सॉलिड स्फेरिकल चार्ज के। किसके लिए? सॉलिड स्फेरिकल चार्ज। तो सॉलिड स्फेरिकल चार्ज, सॉलिड स्फेरिकल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और r का जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है मेरे बच्चे। इसको आप फटाफट बनाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप फटाफट बनाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बना लिया? यस सर। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लिखो लिखो, पोटेंशियल। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई तो क्या पोटेंशियल हम लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, ये बताओ पहले भाई। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं फॉर्मूला पोटेंशियल का? डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, याद करो। माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, अरे होता है कि नहीं होता है? या वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू वॉट? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अरे हाँ ना, बोल। यस सर। डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, या v initial minus v final is equal to integration of e dot dr. e dot dr. तो लिखो लिखो जल्दी जल्दी फटाफट लिखो लिखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर या हॉलो स्फेरिकल चार्ज, हॉलो स्फेरिकल चार्ज, हॉलो स्फेरिकल चार्ज। फिर सॉलिड स्फेरिकल चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तब आ जाएंगे कंडक्टर। ठीक है, तो हॉलो स्फेरिकल चार्ज ले लो एक, और उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं बच्चे। तो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं। चलो भैया शुरू करते हैं कहानी हम लोग। देखो फटाफट, ये हो गया सेंटर, और इस सेंटर से ये हो गया, ठीक। इस स्फेयर के पॉइंट हम लोग कहां कहां बात करेंगे? तीन पॉइंट होगा। कौन कौन सा पॉइंट होगा भाई, बोलो? पहला पॉइंट होगा आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। दूसरा होगा इनसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस और इनसाइड सरफेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं आउटसाइड द सरफेस, पहला पॉइंट लिखते हैं आउटसाइड द सरफेस। देखो चार्ज इसमें कहाँ है मेरे बच्चों, बताओ? चार्ज इसमें सब कहाँ रहेगा? अगर हॉलो स्फीयर है तो बोलो, क्या अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा? सरफेस पे, सरफेस पे रहेगा। ठीक है भाई, मान लेते हैं इसका रेडियस आर है। सब आप लोग ही बताओगे, मुझे कुछ बताना नहीं है, सब आप बताओगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब आप जानते हो। सिर्फ आप इसको लिखो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कैपेसिटर अब आप पढ़ोगे, तो कैपेसिटर पढ़ोगे तो इसका बड़ा रोल आ जाता है मेरे बच्चे, बहुत रोल आ जाता है। तो पोटेंशियल का बहुत रोल आता है, इसलिए पोटेंशियल आपको जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों जानना जरूरी है आपके लिए।
देखो अगर हम पॉइंट आउटसाइड ले लेते हैं मेरे बच्चे, मान लेते हैं कि किसी डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी है, किसी डिस्टेंस आर पे सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? पोटेंशियल कहाँ पे? एट पॉइंट पी पे। ओके भाई देखो इस पे चार्ज मान लो कितना है भैया, क्यू। कितना चार्ज है? क्यू। क्यू चार्ज क्यू है। चार्ज डेंसिटी अगर लेना हो तो क्या ले लेंगे, सिग्मा लेंगे या रो या लेमडा? सिग्मा। सिग्मा बहुत बढ़िया, शाबाश। कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ हो गया कूलम चार्ज। ठीक है भाई, ये सब आपको याद है ना, पता है ना आपको? यस सर। अच्छा अब देखो हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड? पोटेंशियल। पोटेंशियल, चलो भाई पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला, पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल का भैया? dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट dr। मेरे बच्चों भाना बोलो सही है गलत है बोलो। यस सर। dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट dr। क्या ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। या इसे हम ऐसे लिख दें कि v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट dr। तो मेरे बच्चों कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए कि चाहिए? नो सर, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा मेरे बच्चों ये बताओ इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि चार्ज आप कहां से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से, याद करो पोटेंशियल एक्चुअली होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज। अरे हाँ ना बोल। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज। अरे याद करो यू अपॉन क्यू नॉट, याद करो लिखा हुआ था आपने V is equal to U upon Q naught या potential energy upon Q naught, where P is what potential energy and Q naught is what test charge, कि वो test charge को infinity से किसी point पे ले आने पर जितना हमको work done करना पड़ता है वो work done उसकी potential energy में store हो जाता है, और वो potential energy upon test charge क्या हो जाता है? क्या उस point पे potential बताता है? बिल्कुल बताता है भाई, उस point पे हमको potential बताता है। तो किसी चार्ज को कहां से हम लोग लेके आते हैं? स्टैंडर्ड पॉइंट कहां मानते हैं या इनिशियल पॉइंट कहां मानते हैं हम लोग? इन्फिनिटी पे। जब तक हमको ये ना बताया जाए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको ले जाना है, तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक ले जाना होता है, मतलब दो पॉइंट के बीच की अगर वो बात कर रहा है तो दो पॉइंट के बीच की अगर वो बात कर रहा है तब तो इनिशियल और फाइनल हम देख लेंगे ए से बी के बीच में। लेकिन अगर हमको पॉइंट नहीं बता रहा तो हम क्या मान के चलते हैं कि इनिशियल पॉइंट इज व्हाट? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्लियर है? तो इनिशियल इन्फिनिटी हो गया मेरे बच्चे, तो बताओ वी आई क्या हो गया? जीरो हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस सर, बिल्कुल हो गया। अब पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो क्या ये पी फाइनल पोटेंशियल हो गया? Yes, हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो क्या इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जीरो माइनस वी फाइनल या वी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर? बोल मेरे बच्चे सही है कि गलत है? सही है सर, बिल्कुल सही है ना? यस सर। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको Vp इज इक्वल टू Vp, जैसे मुझे याद है या जैसे मैं कर रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे ही दिमाग में सेट कर लो अपने, और वैसे ही आपने करना है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। बोल क्या सही है बच्चे? बिल्कुल सही है सर। अब ये बता, ठीक है अब ये बताओ मुझे मेरे बच्चे, यहां से देखो इस पॉइंट पी पे, अब आपको अगर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और डी आर चाहिए, अब डी आर मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आर, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आर, ठीक है, डी आर मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आर, ठीक है भाई। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच, डिस्प्लेसमेंट के बीच, आप किधर से किधर की तरफ जा रहे हो? इन्फिनिटी से इधर की तरफ आ रहे हो। तो इन्फिनिटी से मान लो यहाँ पॉइंट है कोई, और ये यही मान लो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से पी की तरफ आओगे तो ऐसे ही तो आओगे कि नहीं आओगे, ये बताओ? यस सर। आओगे कि नहीं आओगे? यस सर, बिल्कुल आओगे। तो देखो इन्फिनिटी से इधर की तरफ आए। अच्छा भैया अब देखो ये
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। यस सर। और मान लो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस चार्ज के कारण देखे, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। यस सर। यस सर। होगी कि नहीं? यस सर। अच्छा कितना होगा इस, मान लो कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ पे है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी स्फेरिकल चार्ज के कारण? हाँ मतलब ये वाली जो डिस्टेंस और ऐड हो जाएगी उसमें। यस सर। यही कहने का मतलब है दिव्यांशु तुम्हारा? यस सर। बिल्कुल सही कह। तो मेरे कहने का मतलब अगर यही डिस्टेंस यहाँ आर हो जाए तो क्या के क्यू अपन आर स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। क्योंकि ये एज ए कैसा ट्रीट हो जाएगा, एज ए पॉइंट चार्ज, यही तो हम लोग गॉस लॉ से निकाले। यस सर। ठीक है ना? यस सर। कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है चले आगे। यस सर। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच, डीआर डिस्प्लेसमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच एंगल क्या? 180। क्लियर? तो ई डॉट डीआर कॉस 180 या ई इनटू डीआर कॉस 180 लिखते चलेगा? यस सर। तो कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन होती है। यस सर। तो क्या वो बाहर आ जाएगा? यस सर। यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। लिख सकते हैं ना? यस सर। चलो लिखते, चलो लिखते। देखो अब हम हटा रहे हैं भाई, देखो हम आपसे पूछ के ही हटा रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं हटा रहे। अब देखो लिखते हैं, तो चलो अब इस वीपी को हम ये लिख दें कि वीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर कॉस 180, चलेगा क्या? यस सर। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। यस सर। होगा कि नहीं? Yes. अब देखो अब आपको कहां लेके आना है पॉइंट को, किसी कहां लेके आना है पॉइंट को, पी पे, जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? आर। तो इस आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां लिख दो। yes. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0qr² dr, चलेगा क्या? यस सर। पक्का? यस। ठीक है, कोई तकलीफ? नो सर। अब देखो यार, लेकिन एक बात है, एक गड़बड़ी कर दी हमने और आपने भी कर दी, हमने आपसे करवा दिया। देखो क्या मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, मैंने गड़बड़ी क्या करवा दी। देखो एक्चुअली फॉर्मूला है आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू e डॉट डी। फॉर्मूला क्या है? v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट डी आर, है कि नहीं? है ना भाई? V final minus V initial is equal to E dot D. अब जब आप उस पोजीशन से पॉइंट, मतलब इनिशियल से फाइनल यहां लेके आ रहे हो, इनिशियल से फाइनल यहां लेके आ रहे हो, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल वहां इंफिनिटी था, फाइनल ये था, तब dr की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, लेकिन आप इनिशियल को इनफाइनाइट पहले ही जीरो मान चुके हो, तो ये जो फॉर्मूला है हमने पहले एक्चुअली क्या है, उसमें दो वर्क डन था, एक वर्क डन था एक्सटर्नल फोर्स के कारण और दूसरा वर्क डन था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण।
तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण वर्क डन था उसका लिए उसके लिए तो फॉर्मूला ये था, था कि नहीं बोलो? यस सर। मेरी बात समझना ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा या इधर होगा? एक सेकंड बच्चे, बता रहा हूँ रुक जाओ, एक सेकंड टाइगर आ गया अंदर। ओके इधर देखो, एक सेकेंड, V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dr, ये तब है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, यही तो लिखते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो यहाँ जस्ट क्या हो गया है, तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकल या उस चार्ज पार्टिकल को हम डिस्प्लेसमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखें तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर कर रहे हैं, ठीक। Yes. तो यहाँ जो एंगल होगा ना डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच वो होगा 0 degree, नॉट 180 degree, इस बात के लिए सॉरी, यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा ये मैंने समझाया आपको, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं तो वो वर्क डन हो गया किसके लिए, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Yes. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट अपोजिट होता है। Yes. ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ कॉस 0 होगा, नॉट कॉस 180। मैंने फिर से समझाया आपको कि कॉस 180 क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस 0। कॉस 0 अगर रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस वन। ठीक, अब देखो तो वीपी क्या हो जाएगा आपका, वीपी आपका हो जाएगा इनिशियल पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी, और फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, आर पे। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब देखो जब हम इसकी बात करें तो यहां से हमने ले लिया माइनस ऑफ 1/4 epsilon naught क्यू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1/r² dr। 1/r² dr का इंटीग्रेशन करो क्या मिलेगा आपको, -1/r मिलेगा कि नहीं, तो vp हो जाएगा आपका माइनस ऑफ q/4π ε0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/r इंफिनिटी टू r। ठीक है, तो पहले फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ q/4π ε0, फाइनल हो गया माइनस ऑफ 1/r और इनिशियल हो गया आपका क्या, 1/∞। ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस q/4π ε0 इंटू माइनस ऑफ 1/r। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, q/4π ε0 r। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो vp इज इक्वल टू kq/r। चलेगा? यस सर। ठीक है, vp इज इक्वल टू kq/V। तो अब आप ऐसा समझो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो चार्ज एक एज ए पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा था, तो वैसे ही पोटेंशियल के लिए भी वो चार्ज कैसे ट्रीट होगा, एज ए पॉइंट चार्ज, एज ए पॉइंट चार्ज, एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल आप लोग जानते हो kq/r, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल kq/r, ये हो गया फॉर्मूला kq/r। ठीक है, इसे आप उतार लो। ठीक है, पोटेंशियल पूछता है आपसे किसी स्फेरिकल चार्ज के कारण, किसी स्फेरिकल चार्ज के कारण, तो पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल kq/r, और अगर यही निगेटिव चार्ज होता तो kq/r, और अगर चार्ज की पोलरिटी निगेटिव है तो माइनस ऑफ kq/r। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। अब दूसरा केस देखते हैं, बी केस बच्चे,
point on the surface. Point on the surface of the sphere. Point on the surface of the sphere. On the surface of the sphere. On the surface of this. Surface of this. Spherical charge ke surface. The point on the sphere, surface of the sphere, dekho. अगर इस कहानी को देखा जाए थोड़ा सा पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर की कहानी को अगर देखा जाए ये हो गया बच्चे स्फीयर इस स्फीयर पे चार्ज कहाँ है इसके सरफेस पे है चार्ज इसके सरफेस पे है ये देखो ठीक है ये चार्ज सरफेस पे हो गया इसके कितना चार्ज है इसके सरफेस पे क्यू कूलम्ब ठीक सरफेस डेंसिटी क्या है सिग्मा अच्छा सिग्मा के टर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते उसे बिल्कुल लिख सकते हो ठीक है बिल्कुल लिख सकते हो ठीक है तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर रेडियस मान लो कितना है बच्चे इसका आर है पॉइंट आपको कहाँ चूज करना है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर कोई पॉइंट यहाँ पे है पी जो कि कितनी डिस्टेंस पे है आर डिस्टेंस पे है तो बताओ पोटेंशियल क्या हो जाएगा वही कहानी वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर E dot dr ठीक है तो ये हो जाएगा आपका E into dr cos होगा कि नहीं होगा बोलो E into dr cos zero ये जाएगा आपका initial zero final vp मान लो ये point p यहाँ पे है तो is equal to integration of E into dr अब E की value बताओ कितनी होगी sphere के surface पे ये आपने किया है sphere के surface पे E की value कितनी होगी यहाँ से तो स्मॉल आर ही है ना स्मॉल आर स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू डी आर लिमिट लगाओगे ना उसकी लिमिट लगाओगे ना उसकी कहां से कहां इंफिनिटी से कैपिटल यही तो बीपी की क्या वैल्यू हो जाएगी बीपी की वैल्यू हो जाएगी आपकी वही क्या के क्यू अपॉन करके देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्मॉल आर डिस्टेंस पे आप भाई स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर ये बात की बात है यस सर लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर स्क्वायर ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर चलेगा क्या के क्यू अपॉन ठीक है क्लियर है Yes. Yes, sir. अब देखो अब इनसाइड द स्फीयर की बात करें हम लोग किसकी बात करें इनसाइड द स्फीयर इनसाइड द स्फीयर की बात करें इनसाइड द स्फीयर बताओ कितना होगा ये हो गया थर्ड सॉरी सेकंड केस वोल्ट ठीक है के क्यू अपॉन अब आ जाओ इनसाइड द स्फीयर की बात करें इसकी बात करें इनसाइड द स्फीयर तो इनसाइड द स्फीयर की बात करते हैं बच्चे देख चलो इनसाइड द स्फीयर की बात करें सी केस हो गया पॉइंट इनसाइड द हॉलो स्फीयर साइड द हॉलो स्फेरिकल चार्ज साइड द हॉलो स्फेरिकल चार्ज हॉलो स्फेरिकल चार्ज बना लो फटाफट क्या होगा देख जीरो इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल चार्ज इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल चार्ज पहले एक स्फेयर बना लो जल्दी से देखो हमने स्फेयर बनाया ये हमने स्फीयर बना लिया अब इस स्फीयर के अंदर इस स्फीयर के अंदर ये जिसका रेडियस कितना है मान लो आर है
कितना रेडियस है, मान लो आर है, ये रेडियस हो गया आर, चार्ज इसके सरफेस पे, बहुत ध्यान से देखना है इसको, चार्ज इसके कहाँ पे है, सरफेस पे है, चार्ज अब इसके सरफेस पे है भाई, तो चार्ज अगर इसके सरफेस पे है, देखो यहां से कितनी दूरी पे, आर दूरी पे ना, कितनी दूरी पे, आर, तो अब देखो इसके आर मान लो कोई पॉइंट यहाँ है आर, स्मॉल आर, एक पॉइंट पी है यहां से आर डिस्टेंस पे, तो इस आर डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल, तो निकालो, देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस आर डिस्टेंस पे, इस आर डिस्टेंस पे पहले तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ e इनटू dr cos 0 चलेगा, यस सर, ठीक है, अब देखो इनिशियल आपका इंफिनिटी है, इंफिनिटी पे जीरो होगा, v फाइनल vp हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ e इनटू dr, e इनटू dr, अच्छा ये बताओ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो, जीरो, इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो Vp इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E, E की वैल्यू कितनी है, जीरो इनटू dr, बताओ जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, मतलब कांस्टेंट कोई वैल्यू, तो कांस्टेंट में तो जीरो भी आ सकता है ना जीरो कांस्टेंट में आता है, बोलो, तो उसे हम प्लस जीरो क्यों नहीं कहते हैं, जल्दी बोलो, पता नहीं, तो उसे हम प्लस जीरो क्यों नहीं कहते हैं, अगर जीरो कांस्टेंट में आता है तो उसे प्लस जीरो कर लो, फिर कांस्टेंट क्यों लिखते हो आप, जल्दी बोलो, यस सर, सर वो कांस्टेंट में नहीं आता, क्या चीज, कांस्टेंट में नहीं आता, कांस्टेंट में नहीं आता, नहीं सर, तो फिर कांस्टेंट क्यों बोला, कांस्टेंट में नहीं आता तो कांस्टेंट क्यों बोला फिर, सर क्योंकि कांस्टेंट, Vp इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट, क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट, अच्छा ये बताओ क्या यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अच्छा सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा, एक अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, आर नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, स्फीयर पे पहुंच, जस्ट जस्ट ऑन द स्फीयर पहुंचे अगर आप तो के क्यू अपॉन आर हो गया, तो उससे पहले कांस्टेंट की क्या वैल्यू, क्या जीरो होगी, जीरो तो कांस्टेंट नहीं होता, कितनी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी बता सकते हो, चलो मैं बताऊं, देखो यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू होगी ना, जो सरफेस पे वैल्यू है पोटेंशियल की वही होगी, किस पे, सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू है वही होगी, तो सरफेस पे पोटेंशियल की कितनी वैल्यू है, यस, तो यहां इनसाइड द स्फीयर अगर हम बात करें जो है पोटेंशियल की, तो इनसाइड द स्फीयर जो पोटेंशियल होगा वो होगा आपका के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, इनसाइड द स्फीयर जो होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर, जो सरफेस पे है वही इनसाइड भी होगा, जो सरफेस पे है वही इनसाइड भी होगा, ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो इसे देख सकते हो, कैसे देख सकते हो कि dv अपॉन dr इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर, अब देखो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डॉट v कहते हैं क्या, सॉरी डेल डेल v कहते हैं ना, याद करो क्या कहते हैं, डेल v, डेल ऑपरेटर इन टू कहते हैं ना, डेल ऑपरेटर इन टू v, तो इसे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो डिफरेंशिएशन जीरो कब होगा, जब ये v की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी,
यस तो v की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक v क्या होना चाहिए, सरफेस तक कांस्टेंट कांस्टेंट होना चाहिए, और सरफेस तक v कांस्टेंट होगा तो सरफेस तक v कांस्टेंट होगा तो सरफेस पर जो वैल्यू v की होगी वही तो इधर होगी, नहीं तो ग्रेडियंट हो जाएगा फिर तो yes. तब तो आपको प्रवणता मिलने लगेगी ना, तब तो आपको एक एक जो है क्या मिलने लगेगा, अगर इधर की वैल्यू कुछ अलग और उधर कुछ अलग हो गया तो सडनली चेंज हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं नहीं। तो यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट का मतलब है कि वीपी की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर के क्यू अपॉन आर होगी और ऑन द स्फीयर जो होगी वही इनसाइड द स्फीयर होगी, ऑन द स्फीयर जो होगी वही इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर विल बी के क्यू अपॉन आर और वही वैल्यू है जो कि ऑन द सरफेस है, तो ऑन द सरफेस वैल्यू और इनसाइड द स्फीयर वैल्यू दोनों क्या होगी, सेम होगी और वो है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। वेरिएशन किधर होगा, बाहर साइड, वेरिएशन किधर होगा, बाहर साइड। तो ये लिख लो, इनसाइड द स्फीयर के क्यू अपॉन आर, ऑन द स्फीयर के क्यू अपॉन आर, आउटसाइड द स्फीयर के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक, के क्यू अपॉन स्मॉल। लिखो इस बार फटाफट, लिखो लिखो फटाफट, हो गया। चलो अब बात करते हैं आगे, हम लोग लिखो लिखो फटाफट लिखो लिखो फटाफट। सर हो गया चलो आगे आ जाओ। अब लिखो, इसका ग्राफ बना लेते हैं क्या, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी पोटेंशियल और आर के बीच का ग्राफ कर्व खींच लेते हैं। तो खींचो फटाफट पोटेंशियल और आर के बीच का कर्व, पोटेंशियल और आर के बीच का कर्व खींचो फटाफट, पोटेंशियल और आर के बीच का कर्व खींचो जल्दी जल्दी, पोटेंशियल और आर के बीच का कर्व खींचो। कैसा बनेगा, इधर देखो, पोटेंशियल और आर के बीच का कर्व खींच देते, देखो इधर, ये हो गया आपका, ठीक है। इधर हो गया आपका पोटेंशियल, इधर हो गया आपका आर, यहां आर इज इक्वल टू आर, हॉलो के लिए खींच रहे हैं हम, ये सॉलिड के लिए नहीं, किसके लिए, हॉलो के लिए, तो हॉलो के लिए देखो आर रेडियस का है ये, आर रेडियस, देखो यहां पोटेंशियल, सेंटर में पोटेंशियल और यहाँ सरफेस पे के क्यू अपॉन आर, ठीक। उसके बाद सरफेस से जब इधर चलोगे तो के क्यू अपॉन आर, कैसा कर बनेगा, मतलब जो वीपी होगा वो के क्यू अपन आर होगा, तो वीपी प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के, हो गया कि नहीं बताओ, yes, कैसा कर बनेगा, बताओ जल्दी, कैसा कर बनेगा, बोलो जल्दी, स्ट्रेट लाइन बनेगा 1/r का कर्व, बोलो सर, पैराबोला टाइप का ही बनेगा कुछ इस तरीके, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके ये क्या होगा, मिल जाएगा। आर अगर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वीपी क्या हो जाएगा,
जीरो ऐसा ही तो बनेगा यस सर बना लो इसे ठीक है अगर आर अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो होगा कि नहीं होगा ठीक है ऐसा ही तो कर बनता है ऐसा ऐसा देखो ऐसा बनता है ना यस सर नॉन यूनिफॉर्म वन अपन आर का या वन अपन एक्स का यस ऐसा ही बनता है अब आ जाओ आगे बात करते हैं ये तो हो गया सॉलिड के लिए सॉरी हॉलो के लिए अब किसके लिए बात करें हम लोग सॉलिड के लिए तो लिखो सॉलिड के लिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल चार्ज सॉलिड स्फेरिकल चार्ज ठीक है तीनों पॉइंट वही ऑन द सरफेस आउटसाइड द सरफेस और इनसाइड द सरफेस ऑन द सरफेस की बात करते हैं सॉरी आउटसाइड द सरफेस की बात करते हैं आउटसाइड द सरफेस की बात अगर हम करें बच्चे तो बता किसी पॉइंट जब मान लेते हैं इसका रेडियस r है और चार्ज इसके पूरा अंदर फैला हुआ है ऐसे यहां पे बात करें पॉइंट पी है यहां से कितनी डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे ठीक है पॉइंट पी पे पोटेंशियल की अगर हम बात करें इसका चार्ज क्यू है और चार्ज डेंसिटी इसका रो है ठीक पॉइंट पी पे बात करें अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी रो है रो क्या है आपका कूलम्ब पर मीटर क्यूब चलेगा पॉइंट पी पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो बता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा वीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर होगा कि नहीं बताओ ठीक माइनस वी आई माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर करने की जरूरत बार बार नहीं है ठीक अब यहाँ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी टू आर ये हो जाएगा आपका कितना कितना हो जाएगा ये क्या के क्यू अपन आर आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ आएगा तो वीपी इज इक्वल टू हो गया के क्यू अपन आर वोल्ट ठीक के क्यू अपन आर वोल्ट चलेगा यस सर चलो आगे की कहानी देखो ऑन द सरफेस की बात करें हम लोग ऑन द सरफेस निकालो फटाफट सर KQ upon capital R ऑन द सरफेस है KQ upon capital R ऑन द सरफेस की बात करें यहाँ पे चलो दूसरा केस हो गया सेकेंड केस ऑन द सरफेस ये सेकेंड केस हो गया सेकेंड केस ऑन द सरफेस मतलब यहाँ से कितने रेडियस पे आर रेडियस पे तो वीपी हो जाएगा आपका सेकेंड केस में के क्यू अपन आर चलेगा यस सर ठीक है दो केस हो गए थर्ड की बात सर थर्ड में ना जीरो आएगा लेकिन वीपी जो होगा कांस्टेंट होगा हाँ जीरो लेकिन होगा जीरो कांस्टेंट होगा नहीं एक नई थियरी भाई अनन्या ठीक है जीरो होगा लेकिन वो क्या होगा कांस्टेंट बहुत बढ़िया बेटा शाबाश चलो थर्ड केस देखो फ्रेंड्स थर्ड केस आ जाओ फटाफट देखो थर्ड केस देखो ये हो गया स्फीयर थर्ड केस मतलब पॉइंट कहाँ पे है भाई इनसाइड द स्फीयर पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ठीक है पॉइंट सॉलिड स्फीयर के इनसाइड है मतलब अगर सॉलिड स्फीयर आर रेडियस का है बच्चे
और पॉइंट कहीं यहाँ पे है पी, ये आर डिस्टेंस, चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं बोलो, ठीक है। चार्ज कितना है क्यू और चार्ज डेंसिटी क्या है रो कूलम पर मीटर क्यू, ठीक है। तो वीपी हो जाएगा जैसा कि आप जानते हो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर और डी आर, ठीक, माइनस ऑफ ई इंटू डी आर डी आर, ठीक है। आप देखो कहां से कहां की बात करेंगे हम लोग, इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई इंटू आर ई इंटू डी आर। ई कितना है अंदर इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर ई की वैल्यू कितनी होती है ए क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, ए क्यू आर अपॉन कैपिटल आर। इनसाइड द स्फीयर अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है आपकी के क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो वो होती है आपकी के क्यू आर अपॉन आर क्यू डी आर, ये तो हो जाएगा yes, इन्फिनिटी से आर आर, ठीक। तो वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर क्यू हो जाएगा बाहर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर क्यू हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर आर डी आर, ठीक है। चलेगा yes. ठीक है। आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, यही तो होगा, ठीक है, आर स्क्वायर बाई टू। चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू। तो वीपी हो जाएगा आपका माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर क्यू, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई टू इंफिनिटी टू आर। लेकिन ये देखो यहां चार्ज जो है इसके इस सरफेस पे भी तो होगा कि नहीं होगा, यस सर, यहां पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा भाई। देखो इधर ये ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप यहां पोटेंशियल निकाल रहे हो, यहां पे इस रीजन पे अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, इस रीजन के बाहर भी तो चार्ज है ना, yes. इस रीजन के बाहर भी चार्ज, इस रीजन के बाहर जो चार्ज है उस चार्ज के कारण पोटेंशियल, उस चार्ज के कारण पोटेंशियल, और इस वाले रीजन के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज के कारण पोटेंशियल, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया आपका ये, इस बाहर वाले चार्ज के कारण भी तो पोटेंशियल होगा यहां कि नहीं होगा, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, यस, उस बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल,
यहाँ जो पोटेंशियल होगा बाहर वाले चार्ज के कारण, कितना चार्ज बचा, अगर इस अंदर चार्ज की बात करें, ये जो चार्ज के कारण, इस अंदर वाले चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल है वो आपने निकाल लिया, कितना ये आएगा आपका, क्या आया देखो, अंदर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल आपने निकाल लिया, कितना आया देखो, ये आया आपका माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, बोलो यस, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई टू, ये किसके कारण पोटेंशियल हुआ, ये जो अंदर चार्ज था उसके कारण पोटेंशियल, अंदर कितना चार्ज था, इस आर डिस्टेंस पे कितना चार्ज, आर डिस्टेंस पे कितना चार्ज, इस आर डिस्टेंस में चार्ज है आपका, इस आर डिस्टेंस में जो चार्ज है वो कितना है, वो है आपका, वो है आपका रो इनटू आर स्क्वायर, नहीं रो इनटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर, रो इनटू पाई आर, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, यस रो इनटू फोर बाय थ्री पाई आर, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, तो बचा कितना अंदर, रुक जाओ एक सेकेंड, ये वाला जो है, ये वाला जो चार, ये वाला जो पोटेंशियल है वो किसके कारण है, अंदर वाले चार्ज के कारण, अंदर वाले चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर क्यूब इनटू आर स्क्वायर बाय टू, है यस सर। अच्छा अब देखो, ये जो बाहर वाला जो पोटेंशियल है, बाहर वाला जो पोटेंशियल है, सॉरी बाहर वाला जो चार्ज है, कितना बचा बाहर वाला चार्ज, ध्यान से देखना, अंदर वाला चार्ज जो हो गया, अंदर वाला चार्ज हो गया वो हो गया आर डिस्टेंस पे, जो चार्ज है आर डिस्टेंस पे वो है आपका रो इनटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, यही तो है, यस सर। तो बचा कितना चार्ज, शेष चार्ज कितना है, शेष चार्ज, ये तो अंदर वाला चार्ज हो गया, शेष चार्ज कितना होगा, शेष चार्ज हो जाएगा आपका q माइनस रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, टोटल चार्ज तो q ही है ना, yes, sir. तो q माइनस रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू, yes, sir. तो अगर हम Q को देखें तो ये हो जाएगा Q, रो को देखें तो क्या रो की वैल्यू है Q अपॉन 4 by 3 पाई आर क्यू इंटू 4 by 3 पाई आर क्यू है कि नहीं, बोलो है ना, तो बच्चे ये बता, इस वाले चार्ज के कारण ये 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube को खा गया, तो जो शेष चार्ज बचा वो बचा आपका q into r cube minus r cube upon r cube, ये तो बचा, ये हो गया शेष चार्ज, बचा हुआ चार्ज, yes. बाहर जो है क्लियर है, yes. जो बाहर वाला चार्ज है उस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा एक सेकंड, यहां देखो ये हो जाएगा आपका अंदर वाले चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, जो बाहर बचा हुआ वाला चार्ज है इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा आपका, तो अंदर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल हो गया, बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस के क्यू इंटू चार्ज, बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल, गलत कर रहे हैं क्या यार हम लोग, है तो बिल्कुल सही है, इंफिनिटी से वहां तक ले आओ, ना 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 लिमिट चेंज करनी पड़ेगी आपको, क्या चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहां तक ले आने में जो वर्क डन होगा, यहां तक ले आने में जो वर्क डन होगा और इसके अंदर ले जाने में जो वर्क डन होगा, दोनों में डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा, यहां तक ले आने में वर्क डन, आर डिस्टेंस पे ले आने में वर्क डन और आर से फिर यहां तक ले जाने में वर्क डन, आर से फिर यहां तक ले जाने में वर्क डन, दोनों में डिफरेंस होगा भाई, दोनों में क्या होगा, डिफरेंस, हाँ डिफरेंस होगा। इसके लिए आप क्या करोगे कि यहां तक ले आने में जो वर्क डन हुआ, यहां तक ले आने में कितना वर्क डन होगा, या यहां तक, यहां का पोटेंशियल कितना है, KQ upon R, KQ upon R है ना, yes। और यहां 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 पे पोटेंशियल कितना आया, KQ upon R cube into R square, KQ upon R cube into R square, यार यही तो है, yes। यहां से लेके यहां तक ले आने में जो वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ upon R minus KQ upon R cube into R square, तो ये हो जाएगा आपका, नहीं फिर कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत जरूर है भाई, कहां गलती कर रहे हैं हम लोग, हैं सर क्या हम इंफिनिटी अपॉन टू को जीरो लिख रहे हैं, इंफिनिटी अपॉन टू को, इंफिनिटी अपॉन टू कहाँ होगा भाई, इंफिनिटी अपॉन टू होने से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी अपॉन टू होने से क्या हो जाएगा, अच्छा मैं बोल रहा था कि हम जीरो लिख लेंगे, जीरो हो जाएगा बच्चे, सर इंफिनिटी अपॉन टू तो जीरो हो जाएगा, उसका तो कुछ नहीं है, इन्फिनिटी अपॉन टू होने से क्या हो जाएगा बच्चे, कुछ भी नहीं, तो ये बता इन्फिनिटी अपॉन टू होने से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन टू होने से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन टू होने से क्या हो जाएगा भाई, सर बोलो, ये आपने ना आर, बोलो बोलो बोलो, ये वाली अगर वैल्यू हम देखें तो इस पॉइंट पे तो ये ठीक है, इस पॉइंट पे ये ठीक है, इस पॉइंट पे ये ठीक है, इस पॉइंट पे ये ठीक है, आर डिस्टेंस पे, अगर देखो देखो समझ, अगर हम r को स्मॉल r को कैपिटल r कर दें, स्मॉल r को क्या कर दें, कैपिटल r, अगर स्मॉल r को बच्चे कैपिटल r करें, स्मॉल r को अगर हम कैपिटल r करें तो ये हो जाएगा कैपिटल r स्क्वायर, कैपिटल r स्क्वायर अपन r क्यूब, तो ये हो जाएगा कितना, कैपिटल r स्क्वायर अपन r क्यूब, तो ये हो जाएगा r 1 अपन r नीचे हो जाएगा बस, तो ये 1 upon r नीचे, इसका मतलब है अगर स्फीयर के सरफेस पे हम बात करें तो सरफेस पे KQ upon r होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्फीयर के सरफेस पे अगर हम बात करें तो सरफेस पे कितना होना चाहिए, KQ upon r, और स्फीयर के सरफेस पे KQ upon r इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा, इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा इसका मतलब कहीं कुछ
गलत जरूर है, गड़बड़ झाला है, गड़बड़ झाला है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्यों लिया हुआ? के क्यू इनटू स्मॉलर अपन आर क्यूब क्यों लिया है? कौन सा, ये वाला? नहीं, यहाँ पे सेकंड स्टेप में, ये वाला ऊपर देखो, इधर साइड पे, यहाँ पे, यस सर। अब ये तो कल नहीं थी ना? नो सर। हाँ तो तुझे समझ में नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे यही होती है। ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे यही होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे यही होती है, इसलिए लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू डी आर, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई? गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए यार, गड़बड़ क्यों हो रहा है? कहाँ गड़बड़, क्यों गड़बड़, क्यों गड़बड़, क्यों गड़बड़, क्यों गड़बड़, क्यों गड़बड़, क्यों गड़बड़। पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक, यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया, बिल्कुल सही है, इनिशियल माइनस फाइनल। अब अच्छा, हाँ, ये इस चार्ज, जो बाहर वाला चार्ज है ना, इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वहां इफेक्ट कर रहा है ये, तो बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लेते हैं। किसके कारण? बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल, तो बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, बोलो, बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे निकालते उस पॉइंट पे? बाहर वाला चार्ज कितना है, देखो बाहर वाला चार्ज है आपका q इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपन आर क्यूब, यही तो होगा, ठीक है, रो हो जाएगा आपका इतना, बाहर वाला चार्ज हो गया q इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपन आर क्यूब। अब इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो तो वेरी करेगा, फिर कॉन्स्टेंट तो रहेगा नहीं, वो कहां फंसा भाई, Q/R³ × R²/2, बिल्कुल सही है, यहाँ तो कोई तकलीफ है ही नहीं। अगर हम इसमें इस वाले पोटेंशियल को ऐड करें, ये वाला पोटेंशियल ऐड होगा, क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये सरफेस पोटेंशियल है। अच्छा, इधर से इधर पोटेंशियल घट रहा है यार, तो हम सरफेस का पोटेंशियल ऐड कैसे कर सकते, इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा आपको, इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे, ये तो ठीक है, ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही हो जाएगा, डिस्टेंस आर माइनस आर, आर माइनस आर, ठीक है, लेकिन यहाँ वेरी कर रहा है ये आर माइनस आर, तो रेडियस हो गया आर, इस डिस्टेंस में इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो जाएगा के क्यू अपन आर, के क्यू अपन आर इस वाले चार्ज के कारण, और ये वाला चार्ज हो जाएगा आपका वाला चार्ज जाएगा Q, यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा P Q on R into R Q minus R Q upon R Q, सर हमें एक पॉइंट ना सरफेस पे लेना पड़ेगा, मतलब दस के पास ही P Q on R Q तो इसीलिए हमको उसी के जस्ट सरफेस पे लेना पड़ेगा पॉइंट, तो सरफेस से पॉइंट पी तक लिमिट लगेगी,
कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझे लग रहा है ना कि ये लिमिट लेने में हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लिमिट लेने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, तो लिमिट लेने में अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इनिशियल अगर कैपिटल आर ले लिमिट तो कैपिटल आर ले लिमिट तो कैपिटल आर लेने से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब के क्यू अपॉन आर बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो हम लोग लिमिट लेने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो लिमिट लेने में क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से यहां लेके आए, ठीक है, और फिर यहां से यहां लेके जा रहे हैं, तो इसे इनिशियल मान लेते हैं और इसे फाइनल मान लेते हैं, इसे इनिशियल मान लेते हैं और इसे फाइनल मान लेते हैं, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकल जाएगा, ठीक। सर इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे आने पर वो फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस हो रहा है सर, इसीलिए हमें सरफेस पे ही पॉइंट लेना पड़ेगा। जो नहीं, ये वाला इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल हम नहीं ले रहे हैं ना यहाँ पे, यही तो दिक्कत है, इसीलिए गड़बड़ आ रहा है। आना चाहिए रिलेशन, देखो क्या इधर देखो, आना चाहिए रिलेशन आपका पोटेंशियल पी पे जो होगा वो होगा माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर क्यूब टू टाइम्स इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। टू टाइम्स तो ये ठीक है, के क्यू अपॉन आर क्यूब भी ठीक है, लेकिन यहां थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होना चाहिए, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होना चाहिए, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो अगर इस रिलेशन में रखोगे, ध्यान से देखो, अगर इस रिलेशन में रखोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर रखो तो कहां पहुंच जाओगे, सरफेस पे, और जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रखोगे और सरफेस पे पहुंच जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर रखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर हो जाएगा, टू आर स्क्वायर ऊपर और टू आर क्यूब नीचे, तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आर क्यूब को खा जाएगा, तो बचेगा नीचे आर, अच्छा माइनस यहाँ, ये माइनस नहीं होगा ये प्लस होगा, टू आर क्यूब, हाँ माइनस कैसे होगा, वो तो एक तो कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, है? एक तो कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, हाँ? तो माइनस कैसे होगा बच्चे, ये हम अगर हम सरफेस पे बात करें, इसके सरफेस पे, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा कहाँ पे, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा आपका कितना, के क्यू अपन आर, यस सर, के क्यू अपन आर, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो आर डिस्टेंस, अगर हम इस इक्वेशन में, मैं ये कह रहा हूँ इस इक्वेशन में अगर आर की जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखे तब सरफेस पे पोटेंशियल हमको के क्यू अपन आर मिलना चाहिए कि नहीं, जो मिल रहा है देखो, यस सर, ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूं आपसे, इन्फिनिटी से यहां तक ले आने में और इन्फिनिटी से यहां तक ले आने में जो पोटेंशियल है, इन्फिनिटी से यहां तक ले आने में जो पोटेंशियल है और इन्फिनिटी से यहां तक ले आने में जो पोटेंशियल है, तो इन्फिनिटी से यहां तक ले आने में पोटेंशियल हो गया माइनस ऑफ के क्यू अपन आर क्यू इंटू आर स्क्वायर बाय टू, और ये चार्ज यहाँ पे कितना बचा, ये वाला चार्ज बचा, तो इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल वहां पे, इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल हो गया के क्यू अपन आर क्यूब इंटू आर क्यूब अपन आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होगा, देखो इधर फिर से करा देता हूं मैं, रुक जाओ जल्दी से देखो,
एक सेकेंड, इधर देखो, मान लो ये चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज का किसी डिस्टेंस आर पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ हमको पोटेंशियल निकालना है अगर पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा ना, पहले अंदर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे, और फिर बाहर वाले चार्ज के कारण भी पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे एड होके तब क्या मिलेगा हमको, टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पी। बाहर वाला चार्ज भी तो पोटेंशियल देगा कि नहीं देगा, भाई देखो इस चीज को ध्यान से समझो, यहाँ पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना इसमें, तो अंदर वाला जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल और बाहर वाला जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल, तो जो डीवी हो जाएगा, डीवी होगा वो होगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, तो डीवी हो जाएगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और इस E की जो वैल्यू है यहां यहां पर जो पोटेंशियल आया है तो जो पोटेंशियल आया वो कितना आया है, वो आया है Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू अपॉन टू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, यही तो आया, यस सर, स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो आया इस आर डिस्टेंस पे, और यहाँ पोटेंशियल कितना है, यहाँ पोटेंशियल है KQ upon R, KQ upon R, है ना, यस सर, इसके बीच जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि KQ upon R minus के ये वाला VP डिफरेंस तो हमको निकालना नहीं है ना बच्चे, इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल हमको निकालना है, यहाँ जो चार्ज है चार्ज तो वेरी कर रहा है, चार्ज तो कांस्टेंट है नहीं, चार्ज जब वेरी कर रहा है तो जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा E dot dr, तो यहाँ जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E is equal to K dQ upon R स्क्वायर, है, क्योंकि चार्ज क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, तो छोटा सा चार्ज dQ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, dQ, एक छोटा सा चार्ज अगर हम dQ ले लें, ध्यान से देखो, एक छोटा सा चार्ज हमने dQ ले लिया, ठीक, इस dQ चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है, इस dQ चार्ज के कारण, ये हो गया चार्ज dQ, तो dQ कितना होगा देखो, तो dQ हो जाएगा आपका कितना होगा बोलो, dQ कितना हो जाएगा भाई, dQ हो जाएगा आपका कितना, रो इनटू वॉल्यूम डीवी, यस सर, रो इनटू डीवी, तो रो कितना हो जाएगा, रो तो आपका पता ही है कितना है, क्यू अपॉन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इनटू डीवी, डीवी कितना होगा इस एलिमेंट का वॉल्यूम, इस एलिमेंट का वॉल्यूम, इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, इस एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा, इस एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा आपका सर कूलम मीटर पर क्यूब, नहीं वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम निकालना है ना, तो इसका इसका एरिया कितना है ना सर, सर्कल फोर पाई आर स्क्वायर, हाँ फोर पाई आर स्क्वायर, नहीं सर सॉलिड स्फीयर है, हाँ स्फीयर है ना, हाँ इस लेंथ का ना, इस लेंथ का, इसका, हाँ सर लेंथ, हाँ ठीक, इसका 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 सिर्फ बाहर बाहर का, इसका इतने का, इतने का मैं पूछ रहा हूँ, इतने का क्या हो जाएगा, फोर पाई आर स्क्वायर इनटू
थ्री क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब इनटू डी आर इनटू डी वी डी आर यस सर ये इसको खा जाएगा हाँ तो थ्री क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब वो थ्री ऊपर चला जाएगा ना थ्री चला जाएगा ऊपर ना हाँ सर ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन r क्यूब r स्क्वायर d आ रहा है यस सर ठीक है गलती इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सर कोई गलती नहीं हुई फिर भी कुछ गलत हो रहा है भाई कुछ गलत है सर अगर हम इस डी क्यूब की वैल्यू में रखेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये ट्रिकी हो गया ना तो ये आर स्क्वायर को खा गया हैं हाँ सर यस सर आर स्क्वायर को खा गया आर स्क्वायर अगर आर स्क्वायर को खा जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना फिर क्यों क्योंकि आर स्क्वायर को खा जाएगा बच्चे यहाँ बचेगा आर डी आर ना आर डी आर बचेगा तो सर आर क्यूब भी तो बचेगा कौन है आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू आर से आर लिमिट लगा दो कुछ गलत हो रहा है छोड़ो कुछ गलत कर रहे हैं हम क्या गलत कर रहे हैं क्यों दिमाग काम नहीं कर रहा देखो मैं आपको बता दूं फिर से कि होना यही है इस वाले चार्ज जो अंदर वाला चार्ज है उस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल और जो बाहर वाला चार्ज है उस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा एड होगा अंदर वाले चार्ज के कारण तो यहाँ पोटेंशियल हमने निकाल लिया वो है आपका माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई टू बाहर वाले चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा बाहर वाला चार्ज कितना बचा बाहर वाला चार्ज अगर आप देखो तो वो बचा इतना इस चार्ज के कारण पोटेंशियल इस चार्ज के कारण पोटेंशियल वहां निकालना पड़ेगा इस चार्ज के कारण पोटेंशियल अगर निकाल लोगे तो काम हो जाएगा इस चार्ज के कारण पोटेंशियल इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा ये आप निकाल लो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल होना यही है देखो इस चार्ज के कारण जो अंदर वाला चार्ज है अंदर वाला चार्ज के कारण तो पोटेंशियल यही होगा ये वाला अब बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल और निकाल लेते हैं तो बाहर वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल यहां निकाल लोगे ना यहाँ पे इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल यहाँ निकाल लो इस पॉइंट पे तो दोनों के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएगा मतलब वो वाले चार्ज के कारण ये वाला पोटेंशियल घट जाएगा तो वो वाले चार्ज के कारण ये पोटेंशियल घट जाएगा तो अपने आप जो हमारा पोटेंशियल है वो मिल जाएगा डीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये पोटेंशियल आना चाहिए उस पॉइंट ठीक है चलो इसको देखते हैं ठीक है कल इसको देख लेंगे ठीक है कहीं कुछ गलत हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लेने में लग रहा है गलत हो रहा है कुछ या लिमिट लेने में गलती हो रही गलती ठीक है इसको कल देखते हैं चलो ओके बाय